कोहली ने ब्रेक का बड़ा मैसेज, क्या वनडे टी20 फॉर्मेट से लेने जा रहे हैं संन्यास। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों के घरेलू टी20 सीरीज खेल रही है। इसके शुरुआती 3 मैचों में भारत 2-1 से आगे है। अब इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है। इससे पहले विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोहली ने इस वर्ल्ड कप के 11 मैचों में सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए थे। हालांकि वो फाइनल में भारत को खिताब जिताने से चूक गए, मगर अब कोहली के एक फैसले ने उनके फैंस को चौंका दिया है। दरअसल फिलहाल भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज खेल रही है। इसके शुरुआती 3 मैचों में भारत 2-1 से आगे है। अब इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है। कोहली ने वाइट बॉल क्रिकेट से लिया ब्रेक। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को सबसे पहले 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलना है। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी, फिर आखिर में दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। मगर इससे पहले भारतीय फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई है। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका दौरे पर वाइट बॉल वनडे टी20 सीरीज खेलने से मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने वाइट बॉल से ब्रेक लेने का फैसला किया है। इसकी जानकारी उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी दे दी है। आगे कब वाइट बॉल से क्रिकेट खेलेंगे कोहली? कोहली अब कब वाइट बॉल क्रिकेट खेलते दिखेंगे, खेलेंगे भी या नहीं, इस बात पर अभी कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने BCCI और सिलेक्शन कमेटी से कहा है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कब उपलब्ध होंगे, इसकी जानकारी भी वे खुद ही देंगे। ऐसे में फैंस ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि शायद कोहली वाइट बॉल क्रिकेट से दूरी बनाने लगे। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान संभालने वाले रोहित शर्मा की ओर से अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर माना जा रहा है कि वो भी अफ्रीका दौरे पर वाइट बॉल सीरीज नहीं खेलेंगे। कोहली और रोहित दोनों ही टेस्ट सीरीज में खेलते नजर आएंगे। राहुल या बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। कोहली इस समय लंदन में छुट्टी मना रहे हैं, रोहित शर्मा भी लंदन में है। रोहित की कप्तानी में भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 10 मैच जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। यदि रोहित भी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल फॉर्मेट से बाहर हो जाते तो विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल को कप्तानी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के दावेदार है। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर सबसे पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलना है, जिसका पहला मैच 10 दिसंबर को डरबन में होगा। इसके बाद 3 वनडे मैच 17, 19 और 21 दिसंबर को होंगे।